हेलो गाइस, वेलकम टू वर्धन मित्तल यूट्यूब चैनल। सो दोस्तों, आज का टॉपिक होने वाला है यूट्यूब वर्सेस कोई भी कोचिंग इंस्टीट्यूट। मतलब आप यूट्यूब के साथ सेल्फ स्टडी करते हो और वर्सेस कोचिंग इंस्टीट्यूट। तो वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है, वीडियो को लास्ट तक देखिए और बस मजे लीजिए वीडियो का। तो दोस्तों चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो वेरी फर्स्ट क्वेश्चन इज, डू वी रियली हैड टू ज्वाइन कोच एनी कोचिंग टू गेट बेटर रिजल्ट? सो द आंसर इज डेफिनेटली नो। इफ यू आर नॉट ए गुड स्टूडेंट, नथिंग कैन हेल्प यू। आई हैव सीन सम स्टूडेंट हु गो टू द कोचिंग एंड बंक द क्लास, सो यू शुड नॉट बी वन ऑफ देम। एंड द स्टूडेंट हु रियली वॉन्ट टू लर्न विल अचीव द सेम थिंग इन द कोचिंग ऑल्सो एंड विदाउट कोचिंग ऑल्सो। सो लेट अस केम टू आवर मेन पॉइंट कि हमें कोचिंग ज्वाइन करनी चाहिए, और अगर हम नहीं करते तो हम यूट्यूब से कैसे मैनेज कर सकते हैं। तो पहले आपको सिंपल बताता हूँ। मान लो आपने कोचिंग नहीं ज्वाइन की है, तो आप यूट्यूब से हर चीज़ आराम से पढ़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे कि मैं आपको बताता हूँ, ये मेरी मेंटल एबिलिटी की बुक है, इसमें ये टॉपिक्स हैं। तो आप हर हर टॉपिक को यूट्यूब में लिखते जाइए और आपको इन पर मस्त मस्त ट्रिक मिलती जाएंगी। ठीक है, मैंने भी अपने चैनल पर काफ़ी सारी ट्रिक्स डाल रखी हैं, माइंड ब्लोइंग मैथमेटिक्स ट्रिक्स और काफ़ी सारी चीज़ें मेरे आपको इस चैनल पे मिल जाएगी। तो आप वो वीडियोस देख सकते हैं, और अगर आपको उनकी नोटिफिकेशन चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, और बगल में बेल आइकन होगा, बेल आइकन को भी सेलेक्ट करके ऑल कर लो। ठीक है, तो ऐसी ऐसी चीज़ें होती हैं। तो मान लो आपने नंबर सीरीज़ पढ़ना है, नंबर सीरीज़ उसमें डालो, आप यूट्यूब में सर्च करो तो आपको इस पर काफ़ी सारी वीडियोज़ आ जाएंगी, कोई भी एक खोल के देख लो, तो आपका ये वाला टॉपिक क्लियर हो गया। ठीक है, बस मुझे जहाँ तक लगा है कि जो भी कोचिंग इंस्टीट्यूट, जैसे मैं आकाश इंस्टीट्यूट में हूँ, तो उसमें मुझे क्या फ़ायदा मिलता है, वो रेगुलर हर संडे हर वेनसडे ऐसे ऐसे टेस्ट कंडक्ट करते रहते हैं, तो उसकी वजह से प्रैक्टिस हो जाती है। वैसे तो प्रैक्टिस भी अगर कोई सिंसियर स्टूडेंट है तो वो घर पर भी कर ही सकता है, क्योंकि आजकल हर एक बुक अवेलेबल है। आप मान लो कि आपका कोई फ्रेंड हो जो कोचिंग में हो, उससे पता कर लूँ कि क्या क्या टॉपिक्स हैं और कैसा कैसा है, और वो टॉपिक्स यूट्यूब में सर्च करके पढ़ लो। मैं आपको सिंपल बताता हूँ, मैं अभी फाउंडेशन कोर्स में कर रहा हूँ, आकाश का फाउंडेशन कोर्स है। देखो ये लिखा है ना, फाउंडेशन फॉर फाउंडेशन कोर्स बिल्डिंग ब्लॉक्स फॉर द फ्यूचर। ठीक है, तो इस वाले कोर्स में मैं अभी हूँ। तो इसमें बुक का डिज़ाइन बताता हूँ कैसे होता है। जैसे कि ये तो मेरी मेंटल एबिलिटी की बुक है, नॉर्मल बुक्स का मैं आपको बताता हूँ क्या होता है स्ट्रक्चर। ये क्या करते हैं, पहला बनाते हैं लेवल वन और दूसरा बनाते हैं लेवल टू। लेवल वन में क्या करते हैं, पूरा CBSE का जितना भी बुक में आपकी NCERT में दे रखा है, सब वही सेम चीज़ बताएंगे। और लेवल टू में क्या करते हैं, ये लेते हैं उसका मैटर, जो भी कंटेंट है वो डिज़ाइन करते हैं ICSE की बुक से। जैसे कि आप अगर ICSE में हो, तो आई डोंट थिंक कि आपको कोचिंग की ज़रूरत पड़ेगी। और ICSE की बुक हो गई, और आपकी 11th क्लास की, अगर आप 9th में, तो 11th क्लास का थोड़ा बहुत पिक कर लेंगे। मतलब कुछ कुछ टॉपिक ही पिक करते हैं, जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, जैसे कि हाँ, जैसे कि आपका मोशन चैप्टर 9th क्लास में, तो यहाँ पे मैंने देखा कि आकाश के जो लेवल टू में है ना, उसमें उन्होंने एंगुलर वेलोसिटी और वो सब चीज़ें भी ला दी है। मतलब एडिशनल है, V=R ω, वो वाले फॉर्मूले वो सब ला दिए, तो वो NCERT में है नहीं, प्योरली 11th क्लास या 12th क्लास का होगा। ठीक है, तो वैसी वैसी चीज़ें होती हैं। तो अभी देखो यूट्यूब में बहुत सारे यूट्यूब चैनल हैं जिन पे ये वीडियो अवेलेबल हैं, तो आप ऑब्वियसली देख सकते हो। बस आपको पता होना चाहिए कि कौन कौन से टॉपिक होते हैं। जैसे कि मेंटल एबिलिटी में मैंने आपको फ्रंट पेज दिखाया, तो ये टॉपिक मेंटल एबिलिटी में होते हैं, और दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट टू क्रैक NTSC। NTSC की वीडियो भी आपको मेरे चैनल मिल जाएगी, वो भी जाके देख लो। और अगर NTSC के बारे में और जानना चाहते हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में बता दो, मैं उसके बारे में भी बता दूंगा आपको। ठीक है, तो वैसे मैं आपको अभी ज़्यादातर इस बुक को थोड़ा बहुत ही खोल के दिखाऊंगा, ज़्यादा नहीं दिखाऊंगा, क्योंकि यहाँ पे दिख रखा है ऑल राइट रिजर्व, वो ये आप समझ गए होंगे कॉपीराइट का है, AESL कॉपीराइट, आकाश एजुकेशन सर्विस लिमिटेड। तो ये वर्बल रीजनिंग दो तरह की होती है, वर्बल एक नॉर्मल रीजनिंग। दिस इज टॉकिंग अबाउट मेंटल एबिलिटी, तो दिस इज नंबर सीरीज। तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन इसमें रहते हैं, बहुत सारे क्वेश्चन देखो मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ, करीब 56 क्वेश्चन है। तो ऐसे क्वेश्चन जब आप करते हो तो ऑब्वियसली आपका चांसेस बढ़ जाती है कि आप NTSC क्रैक करोगे। पर हमारी, जैसे कि हमारी ब्रांच है, तो हमारी ब्रांच में अभी जो प्रेजेंट ईयर है, मतलब उससे पिछला साल है, उसमें सिर्फ एक बच्चे ने क्रैक किया था NTSC, और काफ़ी सारे बच्चे थे, 100 बच्चे के आसपास होंगे, 100 से भी ज़्यादा ही होंगे। तो मतलब एवरीथिंग डिपेंड अपॉन द स्टूडेंट।
अब जैसे कि YouTube का एक और फ़ायदा है, मान लो कि मुझे कोई टॉपिक पढ़ना है आकाश में या फिर कोई भी कोचिंग इंस्टीट्यूट में, हमें वो चीज़ इंग्लिश में पढ़ाएंगे, और अगर मैं नॉर्मली YouTube पर पढ़ता हूँ तो मुझे वो सेम वीडियो हिंदी में मिल जाएगी, तो वो फ़ायदा है। क्योंकि क्या होता है देखो, जैसे कि मेरी मदर टंग हिंदी है, तो आई कैन अंडरस्टैंड मोर इजीली इन हिंदी लैंग्वेज देन एज़ कम्पेयर टू इंग्लिश लैंग्वेज। भले ही मैं इंग्लिश अच्छा बोल लेता हूँ पर मुझे हिंदी में ज़्यादा अच्छे से समझ आता है। तो वही बात होती है हर स्टूडेंट का, आई थिंक मोस्ट ऑफ यू हु आर वॉचिंग दिस वीडियो मदर टंग एज हिंदी ओनली। सो यही सब है, तो मैंने आपको बता दिया, एक तो ये पॉइंट हो गया। और क्या पॉइंट हो सकते हैं, हाँ यूट्यूब का एक और मेन फ़ायदा, जैसे कि मान लो कि आकाश इंस्टीट्यूट में क्या होता है कभी कभार, या कोई भी इंस्टीट्यूट हो गया, आपको किसी टीचर का लेक्चर समझ नहीं आता है, तो आप जैसे कि अगर ये तो टिप तो उनके लिए भी हो गई जो प्रेजेंटली स्टडी कर रहे हैं, तो वो जाके क्या बोलते हैं यूट्यूब पर देख सकते हैं वही सेम टॉपिक हिंदी में। क्योंकि आजकल यूट्यूब इतनी तेज़ ग्रो हो रहा है ना, जैसे कि मेरी वीडियो भी आप यूट्यूब पर ही देख रहे हो, तो यूट्यूब इतनी तेज़ ग्रो हो रहा है कि उसका कंटेंट एक तरह से अब वर्ल्ड क्लास का होने वाला है, मतलब लेवल बाय लेवल। अब जैसे कि मेरे हिसाब से क्या होगा, अब कोई ये आकाश वकाश कोई भी इंस्टीट्यूट ज्वाइन नहीं करेगा, सिर्फ घर में बैठेगा यूट्यूब में देखेगा और हो गया। तो अगर आप मतलब, मैं सिंपली सी बात है देखो, जिनको करना होता है वो तो कैसे भी कर ही लेते हैं, और जिनको नहीं करना होता उनको कोई भी कुछ कहे या ना कहे एक ही समान है। हाँ पर मैं आपको सिंपली बताता हूँ, मैं जैसे कि कोचिंग इंस्टीट्यूट ज्वाइन किया तो मुझे उससे काफ़ी फ़ायदा हुआ, क्योंकि मैं सिंसियरली अपनी पढ़ाई करता रहा, और मतलब यहाँ पे मैं अपनी तारीफ़ नहीं कर रहा एक कभी कभी कुछ लिखते हैं ना, अरे बहुत ओवर कॉन्फिडेंस बनता है ऐसे ही, ऐसे कुछ कमेंट आएंगे देखना पक्का, ठीक है। तो मैं यहाँ पे अपनी वो नहीं कर रहा, पर अगर आप सिंसियरली करते हो कोई भी चीज़ तो आपको रिजल्ट ऑब्वियसली मिलता है। ऐसे तो आपने ये बहुत अच्छी अच्छी उनमें सुना होगा, अच्छे अच्छे लोग बोलते हैं। तो यही सब था इस वीडियो में, धन्यवाद, मिलते हैं अगली वीडियो में। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर लो, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने तैयार बिल्कुल मत भूलना, क्योंकि मेरा भी अभी माइलस्टोन क्रॉस करने का है, मतलब माइलस्टोन मतलब 1000 सब्सक्राइबर क्रॉस करने का टारगेट है। तो बस वही सब है, मिलते हैं अगली वीडियो में, बाय बाय।